नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइमलाइनर्स पे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आपके ओबीसी कास्ट की मेरिट लिस्ट की। जी हाँ फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया था कि अगर वो ओबीसी एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए मेरिट लिस्ट क्या हो सकती है। तो फ्रेंड, मैंने इससे पहले एससी और एसटी के लिए वीडियोज़ बना रखे हैं, उस वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप उन वीडियोज़ को जरूर जाके देखिएगा। और आज मैं आपसे बात करूँगा अगर आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके क्या चांसेस है दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर एडमिशन लेने के। सो फ्रेंड, आपको एक ही काम करना है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो एक बार मैं आपको फ्रेंड्स और रिकॉल कर देना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं टोटली बात करने वाला हूँ अगर आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो उसके लिए आपकी मेरिट लिस्ट क्या हो सकती है, क्या चांसेस हैं कि आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर इस साल एडमिशन मिलेगा। सो फ्रेंड, ये हैं वो टॉप इंस्टीट्यूशन दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जिनके अंदर फ्रेंड आपको मैं बताऊँगा कि आपके क्या चांसेस अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एडमिशन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा पूसा इंस्टीट्यूट की और मॉर्निंग शिफ्ट की। अगर आप दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हो और अगर आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए क्या चांसेस हैं। तो देखिए, अगर आप ऑटोमोबाइल लेना चाहते हो तो आपकी रैंक 6000 या फिर इससे कमानी चाहिए। सिविल लेना चाहते हो तो 2600 या फिर इससे कमानी चाहिए। इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हो तो 2400 या फिर इससे कमानी चाहिए। वहीं मैकेनिकल आप चाहते हो तो 2500 या फिर उससे कमानी चाहिए। कुछ उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अगर आप लेना चाहते हो तो 3500 या फिर उससे कम रैंक आनी चाहिए। फ्रेंड, ये था क्या कहते हैं दिल्ली रीजन से अगर आप बिलोंग करते हो और अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में लेना चाहते हो और आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो। तो देखिए, इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा अगर आप क्या कहते हैं आउटसाइड दिल्ली के हो तो क्या चांसेस हैं। आउटसाइड दिल्ली के लिए आपकी रैंक ऑटोमोबाइल के लिए 1500 या फिर इससे कम होनी चाहिए। सिविल के लिए 300 या फिर इससे कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए 200 या फिर इससे कम होनी चाहिए। मैकेनिकल के लिए 500 या फिर इससे कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 1100 या फिर इससे कम होनी चाहिए। तो फ्रेंड, ये बात हो गई मॉर्निंग शिफ्ट की पूसा इंस्टीट्यूट में। अब मैं आपसे बात करूंगा पूसा इंस्टीट्यूट में ही आफ्टरनून शिफ्ट की। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप दिल्ली रीजन के हो तो आपको सिविल के लिए 6000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी कुछ इसी तरह से 6000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए। मैकेनिकल के लिए 3800 या फिर इससे कम रैंक चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 5000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए। अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हो तो देखिए उसके लिए क्या है। आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए सिविल के लिए 600 या फिर इससे कम रैंक चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए 400 या फिर इससे कम रैंक चाहिए और मैकेनिकल के लिए 700 या फिर इससे कम और कुछ इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 1200 या फिर इससे कम रैंक चाहिए। तो ये बात हो गई पूसा इंस्टीट्यूट की। अब मैं आपसे बात करूँगा गुरु नानक इंस्टीट्यूट की। तो देखिए, यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट में आपको एडमिशन लेने के लिए अगर आप दिल्ली रीजन से और अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो देखिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 5000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए 7000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए। मैकेनिकल के लिए 6500 या फिर इससे कम रैंक चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 8000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए होगी। कुछ इसी तरह से अगर आप क्या कहते हैं आउटसाइड दिल्ली के हो तो उसके लिए क्या कहते हैं आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 1600 या फिर इससे कम रैंक चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए 900 या फिर इससे कम रैंक चाहिए। मैकेनिकल के लिए 1000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 1300 या फिर इससे कम रैंक चाहिए होगी। अब देखिए फ्रेंड, अब मैं आपसे बात करूँगा आफ्टरनून शिफ्ट की गुरु नानक इंस्टीट्यूट में। उसके लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आपको 7000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए अगर आप दिल्ली रीजन के हो तो। मैकेनिकल के लिए 8000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 7500 या फिर इससे कम रैंक चाहिए होगी। तो देखिए, आप फटाफट मैं आपसे बात करूँगा आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। तो देखिए, आउटसाइड दिल्ली के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 2000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए। मैकेनिकल के लिए 1200 या फिर इससे कम रैंक चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 1500 या फिर इससे कम रैंक चाहिए होगी। अब देखिए, फटाफट मैं आपसे बात कर लेता हूँ जीवी पंत इंस्टीट्यूट की। जीवी पंत इंस्टीट्यूट में अगर आप दिल्ली रीजन से एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर और अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो ऑटोमोबाइल के लिए आपको 8000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए। सिविल में 7000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए। मैकेनिकल में 6500 या फिर इससे कम रैंक चाहिए और इलेक्ट्रिकल में 7000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए होगी। और फ्रेंड, कुछ उसी तरह से अगर आपको आउटसाइड दिल्ली में एडमिशन लेना है क्या कहते हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर जीवी पंत इंस्टीट्यूट में, तो आपको ऑटोमोबाइल के लिए 1400 या फिर इससे कम रैंक चाहिए। सिविल में 800 या फिर इससे कम रैंक चाहिए। मैकेनिकल में 1100 या फिर इससे कम रैंक चाहिए और इलेक्ट्रिकल में 700 या फिर इससे कम रैंक चाहिए होगी। तो देखिए फ्रेंड, ये बात हो गई जीवी पंत इंस्टीट्यूट की। अब मैं आपसे बात करूँगा आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट की दिल्ली रीजन के लिए। तो उसमें क्या कहते हैं आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में आपको
9000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, सिविल के लिए 5000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, मैकेनिकल के लिए 5500 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 4200 या फिर इससे कम रैंक चाहिए होगी। अब फटाफट मैं आपसे बात कर लेता हूँ आउटसाइड दिल्ली के लिए। तो आउटसाइड दिल्ली के लिए आपको आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में 2000 या फिर इससे कम रैंक चाहिए होगी, सिविल के लिए 900 या फिर इससे कम, मैकेनिकल के लिए 950 या फिर इससे कम, और इलेक्ट्रिकल के लिए 500 या फिर इससे कम। फ्रेंड आउटसाइड दिल्ली वालों को काफ़ी कम चांसेस होते हैं एडमिशन मिलने के दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर, क्योंकि उनके लिए सीट्स होती हैं जो काफ़ी लिमिटेड होती हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं आपसे बात करूँगा डाइट इंस्टीट्यूट की। तो डाइट में क्या कहते हैं, दिल्ली रीजन से अगर आपको एडमिशन चाहिए ओबीसी कास्ट से, क्या कहते हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो मैकेनिकल के लिए आपको अगर आपकी रैंक 7000 या फिर इससे कम आती है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, और टूल एंड डाई के लिए 6200 या फिर इससे कम रैंक आपकी आनी चाहिए। तो अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हैं तो देखिए, आप मैकेनिकल में आपको 1500 या फिर इससे कम रैंक चाहिए, और क्या कहते हैं, टूल एंड डाई में 1900 या फिर इससे कम रैंक चाहिए होगी। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं आपसे बात करूँगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंस्टीट्यूट, जो अम्बेडकर इंस्टीट्यूट और दिल्ली रीजन के लिए। अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो 2600 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अगर डिजिटल में आपको चाहिए तो 7000 या फिर इससे कम रैंक लानी चाहिए होगी, और मेडिकल में चाहिए तो 8000 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। फ्रेंड ये दिल्ली रीजन के लिए था, अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। तो देखिए, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको 1000 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी अंबेडकर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिजिटल में एडमिशन लेने के लिए 1200 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी, और मेडिकल में 1100 या फिर इससे कम रैंक लानी होगी। सो फ्रेंड देखिए, ये सारी मैंने आपसे बातें कर ली, क्या कहते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट से जो टॉप के दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंदर अगर आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके क्या चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके क्या चांसेस हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर एडमिशन पाने के इस साल। सो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड और भी कोई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड आप फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।